साहिली सचिन की खट्टी मीठी मोहब्बत, रोटी खिलाने में मियां बीवी को आई आफत, स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में सचिन और साहिली के बीच का कनेक्शन बढ़ता जा रहा है और इसका श्रेय जा रहा है सचिन के गांव को, क्योंकि सचिन साहिली को अपने साथ लेकर आया है अपना गांव घुमाने के लिए, जहां पर दोनों के बीच प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो जाती है। एक बात बता, तेरे को मेरा गांव कैसा लगा? अच्छा है ना? गांव बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग गुस्से भी ज्यादा है। जब मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी, सबने मुझसे कितने प्यार से बात की और जब उन्हें पता चला कि मैं आगे की बहू, ऐसा महसूस हुआ कि मैं यहीं से। अरे गांव की ना बात ही जैसी है, इधर के लोग ना एकदम सीधे साधे साफ मन के, शहर के लोग की तरह नहीं जो छल कपट करते। सचिन अपने पंटरों के साथ बैठा होता है जब साहिली आती है उसे बुलाने। आज जी ने भेजा है उसे कि सचिन को घर पे लेके आ, मटन बना रही हूँ मैं। और साहिली आई है और बस हम अड्डे से घर जा रहे हैं वापस चल के, और सारी बातें हम कर रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे सीन्स हैं एंड आई थिंक आर फैंस आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी ये सीन्स देखने के बाद। भाई इसी खट्टी मीठी नोकझोंक के चलते ही तो साहिली और सचिन के रिश्ते में सुधार आ रहा है। इतना ही नहीं, जब दोनों साथ में आ रहे होते हैं कि तभी साहिली एक गाड़ी को रोक लेती है क्योंकि उस गाड़ी के ड्राइवर ने प्लास्टिक की बोतल जो फेंक दी थी, ऐसे में साहिली वो प्लास्टिक की बोतल उस ड्राइवर को थमाती है और देती है पर्यावरण पर ज्ञान, जिसे सुनकर सचिन हो जाता है हैरान। और यही वजह है कि अब सचिन धीरे धीरे साहिली की ओर खींचता चला जा रहा है। उस टाइम पे तो सचिन चौंक गया है कि यार ये दिमाग वाली बातें भी करती है, अच्छी बातें कर रही है। मेरे को तो लगता है सिर्फ फूल वील बेच के इतना ही दिमाग है इसका, पर इसके थ्रू, इस सीक्वेंस के थ्रू आई थिंक हम स्वच्छ भारत भी प्रमोट कर रहे हैं और थोड़ा एक एजुकेशनल सा सीन है ये, जहाँ पे साहिली बात कर रही है कि कैसे प्लास्टिक हार्म करता है हमारे प्लैनेट को और कैसे रिसोर्सेज अफेक्ट होते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस सीन और पहली बार सचिन कोई अकलमंदी की बात करते हुए देखता है इसको, और बस एक प्यारी सी नोकझोंक से भरी पूरी सीक्वेंस है ये, पूरा वॉक है जहाँ पे बहुत सारे गांव की बातें हो रही हैं, ये आदमी टकरा जाता है, उसके बाद साहिली और सचिन एक दूसरे को धक्का वक्का मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो एक बहुत ही लाइट, पहला लाइट और क्यूट मोमेंट सचिन साहिली का है जो इस गाँव में आज हम शूट कर रहे हैं। एक दूसरे को छेड़ते हुए सचिन और साहिली घर तो पहुंच गए हैं और सचिन उसे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, ऐसे में साहिली फटाफट सचिन के लिए खाना परोसती है। जैसे ही सचिन निवाला लेता है तो आज ही उसे टोक देती है और साहिली की थाली पर खाना परोसने के लिए कहती है। इतना ही नहीं, आज ही तो ये भी डिमांड करती है कि सचिन और साहिली उनके सामने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना भी खिलाएं, और इसी के चलते साहिली और सचिन के बीच शुरू हो जाती है टशनेबाजी। आजी मेरे प्लेट को देख, खाना ना मेरे को बोल रहा है कि खा ले, मेरे को काय को रखा है? शुरुआत ना तेरे को खिला के करता है। अरे मुझे नहीं, अपने बाइको को खिला। ये ले रे बाबा खा। आजी देखो ना, आरा तू हाथी को खिला रहा है? अरे उसके जान देख, मारेगा क्या उसको? छोटा नहीं वाला खिला। खा 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 साहिली, तेरा पति तेरे को प्यार से खिला रहा है ना, अच्छे मन से खा। जा ले खाओ अभी। नहीं रुक, मम्मी आजी।
सो ऑब्वियसली आज ही चाहती है कि सचिन और साइली थोड़े क्लोज हो या एक दूसरे से बात करे. और कई रस्में थी जो हमने नहीं पूरी की थी शादी के दिन बिकॉज जो हुआ था शादी में उसके कारण. तो अब आज ही चाहते हैं कि हम कुलदेवी के मंदिर जाए और वहाँ पे जो मंगलसूत्र है उसे सीधा करना है, तो वो सब जो रिचुअल्स है वो पूरे करें. और साथ ही अभी आज ही चाहती है कि मैं सचिन को खिलाऊँ और सचिन मुझे, तो वही बैंटर चल रहा है हम दोनों के बीच. और बस यही खाना पीना, और खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है, वो जो चूल्हे से बनाते हैं और जो सिलवटे पे ऐसे घिस के मसाला बनाते हैं, तो वो सब प्रोसेस मैंने जो किया है जो साइली ने कभी पहले नहीं एक्सपीरियंस किया उसके थ्रू उसने ये खाना बनाया है बहुत प्यार से. तो अब देखते हैं सचिन को कैसा लगता है. एक दूसरे को खाना खिलाते वक्त सचिन और साइली ने भले ही एक दूसरे को टशन दिखा दिया हो, लेकिन जिस तरह से सचिन खाना खा रहा है उससे तो यकीन हो गया है कि खाना जबरदस्त बना है. और अब तो रिश्ता भी धीरे धीरे सुधरता जा रहा है. उम्मीद करते हैं कि ये गाँव साइली और सचिन के रिश्ते को पक्के धागों में जोड़ दे. मुंबई से कुणाल उपाध्याय और शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो 24/7 ब्लेंड करते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल सास बहू और बेटियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें. और हाँ, अब तो हम अवेलेबल हैं आपके व्हाट्सएप पर भी.